महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित वक्तव्य पर अब समूचे महाराष्ट्र में उनके विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं। मंगलवार को शहर के महल स्थित छत्रपति शिवाजी पुतले के सामने नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में नारेबाजी कर उनके द्वारा किए गए वक्तव्य का विरोध किया गया। कांग्रेस की मांग है कि राज्यपाल ने इस वक्तव्य पर महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देश की जनता सोचेगी कि जो शिवाजी महाराज ने इस देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, गुलामी से इस देश को मुक्त किया, हिंदू मुस्लिम सब उसके सेना में थे, उसके सलाहकार थे, अंगरक्षक थे, उस शिवाजी महाराज जो इतनी महान हस्ती थी, इतने बड़े व्यक्ति थे, उससे इन तीनों की बराबरी करके इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, सोचने का समय है। आज मोदी जी अपने दो साथियों के साथ इस देश की पूरी जायदाद बेच रहे हैं, पूरे वो कर रहे हैं, अमित शाह अपने लड़के के माध्यम से अपनी तिजोरी जमा कर रहे हैं, हम नितिन जी जो हम यहाँ के नागपुर के हर व्यक्ति ने देखा कि वो स्कूटर पे घूमते थे, आज 50 करोड़ की एक गाड़ी में घूमते हैं। तो मुझे बताइए कि इस देश की जो जनता है वो समझती नहीं क्या, एक जो शिवाजी महाराज इतनी बड़ी यानी व्यक्तिमत्व थे, इतने महान नेता थे जिन्होंने इस देश को गुलामी से आज़ादी दिलाई और हिंद स्वराज्य की स्थापना की, तो बयान आ रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ी का बयान है ना, यानी इनके मन में इतना अहंकार अभिमान जमा हो गया है, जिस तरह रावण के मन में अहंकार और अभिमान जमा हो गया था, उस तरह बीजेपी के नेताओं में अहंकार जमा हो गया है। ऐसे राज्यपाल को तो तुरंत हटा देना चाहिए और इसके लिए तीनों ने माफ़ी मांगना चाहिए, मोदी जी ने, अमित शाह ने और नितिन जी ने, कि कम से कम हमको तो इस स्तर पे मत पहुंचाओ कि हमारी बदनामी हो करके। बीजेपी सरकार को ये बोलना है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय है, अपने आप को इतना ज़्यादा मत उछालो कि शिवाजी महाराज से वो अपनी तुलना करने लगे। इस देश की जनता कौन से गर्त में जा रही है, कहाँ उनको जो अपना जीवन यापन करने के लिए कठिनाई है, ये समझने की कोशिश करो, इस देश को जो पहले की हालत में थी उस हालत में ले जाओ, नहीं तो इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेंगी। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।